अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू इन अदर वीडियो। आज हम हैं तला मोटर जेट मकर में और इनके पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर डिटेल देंगे कि गाड़ी की कंडीशन क्या है और गाड़ी का कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सुजुकी आल्टो से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको सुजुकी आल्टो का प्रॉपर डिटेल से बताएंगे। भाई पहले तो सुजुकी आल्टो मानी जाती है अपनी एवरेज के लिए, ये बेसिकली जैपनीज़ मॉडल है, इसमें पाकिस्तानी भी आता है। तो जैपनीज़ मॉडल का ये है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी जो है थोड़ी सी बेहतर होती है पाकिस्तानी से, बट ये है कि शेप वाइज ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बाकी काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट आते हैं सुजुकी आल्टो में, इसमें टर्बो वेरिएंट भी आता है। ये सिंपल वेरिएंट है सुजुकी आल्टो का, 2020 मॉडल है और कंडीशन आपके सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ गाड़ी है। बाकी आप जब भी गाड़ी लेने आते हैं आप डिटेल से उसको इंस्पेक्ट करवाया करें या ख़ुद उसको डिटेल से देखा करें कि कोई उसमें मसला वगैरह तो नहीं है। हमारा काम है भाई आपको डिटेल बताना कि ये इस गाड़ी इस जगह पे मौजूद है, आप आके देख सकते हैं चेक करके। अगर आपको डील ग्रैब करनी चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको बताया तो इसकी प्राइस सुजुकी आल्टो है, 2020 मॉडल है और प्राइस की बात की जाए तो भाई 20,50,000 इसकी डिमांड की जा रही है। जैपनीज़ मॉडल है ये। उसके आगे आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत गाड़ी खड़ी हुई है और ये 2018 मॉडल की टोयोटा पासो मोडा है, टॉप ऑफ द लाइन जो वेजेंट होता है मोडा। इसमें मैं आपको थोड़े से डिफरेंस बता देता हूँ। एक तो इसमें आपको DRL मिलेगी, प्रोजेक्ट हेडलैम्प इसमें आपको मिलेगा और फ्रंट इसकी जो ग्रिल है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक के साथ मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको सराउंड पे सिल्वर दिया गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, रेडार सिस्टम है और उसके साथ साथ इसकी जो सीट्स हैं फ्रंट जो है वो सोफ़ा सीट्स इसमें आती हैं। बाकी स्मार्ट एंट्री सिस्टम, बहुत सारे फीचर्स हैं। फीचर अगर गिनने लगे तो शाम हो जाएगी, इसके फीचर ख़त्म नहीं होने वाले। बाकी गाड़ी भाई बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत गाड़ी है और ख़ासकर ये जो कलर है ब्लू बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और बैक साइड से भी आपको थोड़ी सी इसकी लुक दिखा देता हूँ। बैक से भी आप इसकी लुक देख लें, क्या भाई इसकी बैक से लुक है, बिल्कुल भाई आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में है गाड़ी। आपको नज़र आ ही रहा होगा कि बैक पर आपको पासो मोडा की बैजिंग भी मिल रही है, पार्किंग सेंसर मौजूद हैं और बाकी जो इसमें आता है जैसे कि स्पॉयलर वाइपर जैपनीज़ गाड़ियों में ये मौजूद होता है लाजमी। तो ये चीज़ है भाई, आपको डिटेल बता देते हैं। टोयोटा पासो मोडा है, 2018 मॉडल है और इसकी जो प्राइस है भाई आपको प्राइस बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है 35 लाख रुपए। प्राइसेस आपको पता है कि भाई आजकल काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गए खासकर जैपनीज़ गाड़ियों की, तो वही सी बात है प्राइस डिपेंड करती है यार आपकी गाड़ी की क्वालिटी किस तरह की, मतलब क्वालिटी कह रहा हूँ आपकी, मतलब गाड़ी कंडीशन क्या है, प्राइस उस चीज़ पर डिपेंड करती है। 35 लाख रुपये इसकी मांग रहे हैं लेकिन ये गाड़ी काफ़ी साफ़ है, जाहिर सी बात है आपने बाई करनी है तो आप डेफिनेटली आगे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप बाई कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, तो आप देख सकते हैं निसान ड्रेज है, सिल्वर कलर में है, 2015 का मॉडल है ये। और निसान ड्रेज की एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसका जो फ्रंट है काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी प्यारी लुक देता है। ठीक है, निसान ड्रेज का ना इसका फ्रंट ही सब कुछ है अभी। ठीक है, 660 cc गाड़ी है बेसिकली। निसान ड्रेज भी एक की कार है, की कार मीन्स कि ये बेसिकली गाड़ियाँ एवरेज के लिए होती हैं कि आपको अच्छी एवरेज प्रोवाइड करें और ये सिटी में ड्राइव करने के लिए होती हैं। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको भाई स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाएगा जो कि आजकल ऑलमोस्ट सभी जैपनीज़ गाड़ियों में आ रहा है बट पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में नहीं आता। बाकी आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है ज़्यादातर गाड़ियों में। बाकी रिट्रैक्टेबल ORVMs आपको इसमें दिए गए हैं, रडार सिस्टम इसमें मौजूद है, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील है आप देख ही सकते हैं। बाकी यह है कुछ इसका इंटीरियर, बेज प्लस ब्लैक के साथ आता है इसका इंटीरियर। बैक से भी आपको कुछ इसकी लुक दिखा देते हैं, आप इसकी बैक से भी लुक देख सकते हैं। चलें व्यूअर्स अब आपको डिटेल बता देते हैं। इसका निसान ड्रेज है, 2015 मॉडल है और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है 19 लाख रुपये इसकी प्राइस है। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं, तो हमारे मुल्क की हर जगह की मशहूर गाड़ी है ये। मशहूर क्यों है, ये गाड़ी भी अपनी एवरेज के लिए मानी जाती है। तला मोटर्स पे आपको ज़्यादातर वो गाड़ी मिलेंगी जो एवरेज के लिए मानी जाती हैं। टोयोटा प्रियस इसका नाम जहाँ पे भी आए तो भाई आप समझ जाओ एक सेडान गाड़ी में आपको 660 cc वाली एवरेज मिल रही है। मतलब अब ये सेडान गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हो तो आप समझो कि भाई मैं 660 ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये सीन है इस गाड़ी का, तो एवरेज कमाल की। और आज का ब्लैक कलर में आपको बता भाई हर गाड़ी अट्रैक्टिव लगती है, तो ये भी ब्लैक कलर में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी फैब्रिक सीट्स हैं इसमें और फ्रंट अगर कुछ मैं फीचर्स की बात करूँ करता चलूँ तो मल्टीफंक्शनल इसमें स्टीयरिंग व्हील आता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी गियर नॉब जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्रियस में काफ़ी स्मार्ट सी गियर नॉब आती है जैसे कि आप देख सकते हो, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, पुश स्टार्ट मौजूद है, उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल जैसा फीचर भी इसमें आपको दिया गया। बाकी ये कुछ इसका इंटीरियर फुल ब्लैक और बीच में वाइट के टचेस दिए गए, उसकी वजह से काफ़ी अच्छी लुक है इसकी।
और रिम का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, आपको भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। फ्रंट इस गाड़ी का काफ़ी एरोडायनामिक, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी ब्लू हाईलाइट्स आपको इस टोयोटा के लोगों में ही नज़र आ रही होंगी, इसका मतलब कि गाड़ी हाईब्रिड है। और आपको ये मिनिमम भी जो एवरेज देगी ना 15 से 18 ईजिली आपको देगी, बाकी इसका जो क्लेम है तकरीबन 20 से 22 ईजिली करती है, मैंने जिससे भी सुना है। बट जाहिर सी बात है हम कम रख के चलेंगे, भाई इतनी एवरेज देती रहती है। बाकी अब आपको डिटेल बताता हूँ, टोयोटा प्रियस है, 2016 मॉडल है और इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है 55 लाख रुपये, 55 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है। अब आते हैं भाई नेक्स्ट गाड़ी की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं होंडा वीजल। ये भी गाड़ी मानी जाती है अपनी एवरेज के लिए, अपनी पावर के लिए और अपनी लुक्स के लिए। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है और खासकर इसका जो कलर है काफ़ी डिफरेंट है, पर्पल, लाइट पर्पल कलर है, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। सॉरी लाइट कलर, डार्क पर्पल कलर है, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसके जो रिम्स है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई, वीजल के रिम बहुत अच्छी लुक देते हैं, पियानो ब्लैक प्लस सिल्वर में होते हैं। बाकी रिट्रैक्टेबल और भी हमको इसमें मिल जाएंगे और इसमें भी सारे वो फीचर मौजूद होते हैं, जैसे कि स्मार्ट एंटी सिस्टम, उसके साथ साथ आपको क्या कहते हैं मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ब्रेक होल्ड फंक्शन, और इसमें स्पोर्ट्स मोड भी मौजूद है। बाकी फुल ब्लैक इंटीरियर है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें होता है, इकोन मींस कि आपके एवरेज के लिए यूज़ होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार सिस्टम, ये सारे कंट्रोल इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ भाई होंडा वीजल, काफ़ी अच्छी लुक दे रही है ये गाड़ी भी, और खासकर इसका जो डोर यहाँ से ओपन होता है ना, ये काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बाकी बैक से लुक की बात करें तो LED इसका आपको फ्रंट बैक हेडलैम्प और टेल लैम्प मिलेंगे। बाकी हाइब्रिड आपको बैजिंग में रही है, मैं इसकी एवरेज आपको बताता चलता हूँ। ये गाड़ी 15 से 18 ईजिली देगी, वैसे इसकी जो एवरेज है ना मैंने जो देखी है तकरीबन 19-20 ईजिली करती है। लोग ये भी कहते हैं भाई 22 करती है, बट हम वही बात है कि हम आपको वो एवरेज बताएंगे जो गाड़ी देती देती है। ठीक है, तो अब आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। होंडा वीजल है, 2014 मॉडल है और 40 लाख रुपये इसकी प्राइस है, 40 लाख रुपीज़। मुझे आपने बताना है कि भाई वैल्यू फॉर मनी है ये गाड़ी या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट गाड़ी तरफ, तो हमारी पाकिस्तान की आन बान शान, मेहरान के बाद जो गाड़ी सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है वो यही गाड़ी है। सिविक की सबसे ज़्यादा जनरेशन जो बिकने वाली जनरेशन है वो यही है, होंडा सिविक है भाई। ये 2021 मॉडल है और बहुत खूबसूरत गाड़ी है यार, नो डाउट। इस गाड़ी से ना हर बंदे को प्यार है, मुझे मिला के। ठीक है, हेडलैम्प की तरफ आते हैं, LED हेडलैम्प है, उसके नीचे फॉग लैम्प, आपको क्रोम की गार्निशिंग। ये इसकी जो शेप है ना काफ़ी एरोडायनामिक किस्म की शेप है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा उन्होंने किया था, जैसे कि आप देख सकते हो वो चीज़ है, बट गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की पावर वो भाई बहुत ही आला है। 1800 cc इसमें इंजन आता है। बाकी गाड़ी आपके सामने है भाई, रिट्रैक्टेबल ORVMs हैं। गाड़ी की जो शेप है काफ़ी इसको ना मैच आउट करती है इसके इंटीरियर को। मैं आपको थोड़ा सा इसके इंटीरियर की भी लुक दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, बहुत ही स्पोर्टी टाइप इसका इंटीरियर है। आप देख सकते हैं मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो काफ़ी इसका अट्रैक्टिव है। पुश स्टार्ट आपको इसमें मिल जाएगा, क्रूज़ कंट्रोल आपको इसमें मिल जाएगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ब्रेक होल्ड फंक्शन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है ये गाड़ी। और इसकी सीट्स जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी इसकी जो सीट्स हैं बीच में कार्बन फाइबर का भी टच दिया गया है, बेज के साथ होती हैं इसकी सीट्स, और काफ़ी अट्रैक्टिव किस्म की इसकी लुक है भाई इसके इंटीरियर की। बाकी बैक डोर भी ओपन कर लेते हैं, आपको ये भी दिखा देते हैं। आप बैक सीट्स भी देख सकते हैं, बैक पे भी आपको एसी वेंट दिए गए हैं, जो पीछे पैसेंजर बैठा वो भी इजीली अपने सफ़र को एंजॉय कर सके। तो ये है कुछ इसकी बैक से इंटीरियर। अब आते हैं नीचे अलॉय व्हील्स, आप देख लें यार अलॉय व्हील का डिज़ाइन अदर हैंड फिर भी अच्छा लग रहा है, जो इससे पहले वाले थे वो ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। बाकी अब आते हैं इसकी बैक लुक की तरफ, तो भाई ये है, आप देख सकते हो इसकी बैक लुक बहुत ही अट्रैक्टिव। ये सिंपल जितनी खूबसूरत लगती है ना, लोग मॉडिफाई भी करवाते हैं, बट सिंपल ही ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, कंपनी की तरफ से भी गाड़ी है, जेन्युइन आप निकलवा के लाओ शोरूम से, तो इसकी भी लुक जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अच्छा, ये होंडा सिविक 1.8 ओरियल हाईवेटेक, बट ये स्पॉयलर इसमें आफ्टर मार्केट लगाया गया जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा है। बाकी मुझे आपने बताना है कि भाई गाड़ी के जो बैक से लुक है वो किस तरह की है। वो गाड़ी फुल ऑन पैकेज है, बट गाड़ी की अगर बिल्ड क्वालिटी अच्छी होती, बिल्ड क्वालिटी इन द सेंस कि भाई इसकी जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मतलब नॉर्मल से लगाया, बट गाड़ी के जो लुक्स हैं वो इन सारी चीज़ों पे भाई हैवी हैं। ठीक है, तो बाकी अब आपको मैं ज़रा डिटेल वगैरह बता देता हूँ भाई। होंडा सिविक की 2021 मॉडल है, प्राइस की बात करें तो भाई इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है भाई 55 लाख रुपये, 55 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड है। 2021 का मॉडल है, बिल्कुल साफ गाड़ी, पहले 15,000 के अराउंड चली हुई है। अब आपको बताते हैं भाई नेक्स्ट गाड़ी की डिटेल, तो ये जो गाड़ी है ये है टोयोटा प्रीमियो, 2007 मॉडल है। आपको ज़रा मैं फ्रंट से इसकी थोड़ी सी लुक शुक दिखा देता हूँ।
ये आप देख सकते हैं फ्रंट से इसकी लुक। टोयोटा क्रोला हमारी जो GLI XLI ग्रैंडी होती है उससे ऊपर लीग की गाड़ी आती है प्रीमियम। ये गाड़ी अपने कंफर्ट लेवल की वजह से मानी जाती है और अपनी रिलायबिलिटी की वजह से। टोयोटा की वैसे भी ज़्यादातर गाड़ियाँ अपनी रिलायबिलिटी की वजह से मानी जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, हम शेप और डिज़ाइन और एरोडायनामिक देखते हैं, हम देखते हैं भाई इसकी आपको कितनी मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली गाड़ियाँ ये, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ बेसिकली उस पर्पज़ के लिए हैं कि आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, आपको टेंशन नहीं होती कि यार आपको धोखा शोखा दे देगी, ठीक है। सिविक जो है वो नखरों वाली गाड़ियाँ, ये जो हमारी है ना भाई क्रोला, ये प्रीमियम, उसके बाद क्राउन, ये सारी ना मार्केक्स, ये सारी मार्केक्स वैसे नखरों वाली है, बट ये प्रीमियम जो है ये काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ, मतलब रिलायबल गाड़ियाँ, ठीक हो गया। बाकी बैक से भी आपको दिखा देता हूँ, फैब्रिक में इसकी सीट्स हैं काफ़ी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल सीट्स होती हैं ये, ठीक है। और आपको लॉन्ग जर्नी पे भी दिखाती वगैरह नहीं, इसीलिए ज़्यादातर गांव वाले जो लोग हैं मतलब जो विलेज में रहते हैं तो वो इन गाड़ियों को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी बैक से भी आप इसकी लुक देख सकते हैं, बैक इसकी जो लाइट्स हैं वो भी आपको LED में दी गई हैं। और ये टोयोटा प्रीमियम एक्स वेरिएंट है प्रीमियम का, आपको साथ दूसरी भी दिखा देता हूँ, फिर दोनों की इकट्ठी प्राइस बता दूँगा, क्योंकि इनकी जो प्राइस है दोनों की सेम है। आप मैरून लेना चाहते हैं मैरून कलर में ले रहे हैं, वाइट लेना चाहते हैं वाइट कलर में ले रहे हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो आपको ज़रा मैं आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ इसकी भी लुक, या पहले इसका इंटीरियर देख लें, ठीक है। ऑलमोस्ट गाड़ियाँ सेम हैं, बट थोड़े बहुत इसमें दोनों एक्सीडेंट है, बस कलर का डिफरेंस है मेरे हाल में, और रिम शिम इसके थोड़े से डिफरेंट लगे हुए हैं, बल्कि रिम भी सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। बाकी आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, ऑलमोस्ट गाड़ियाँ सेम हैं, कलर का डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी मैं रिम समझ आया चेंज है, बट रिम भी दोनों सेम है, ठीक है। तो अब आपको मैं ज़रा इसकी फ्रंट से लुक दिखा देता हूँ, या आप इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हैं टोयोटा प्रीमियम। और दोनों जो गाड़ियाँ अभी 2007 मॉडल हैं, ये आप देख सकते हैं, आप जो बाई करना चाहते हैं आप इजीली बाई कर सकते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं भाई, तो प्रीमियम की जो प्राइस है भाई 40 लाख रुपये की, अगर आप ये लेना चाहते हैं या वाइट लेना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन आपके मौजूद हैं। अब चलते हैं भाई हमारी प्यारी सी मिनी, आप कह सकते हैं मिनी वैन कह सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे मौजूद है भाई हमारी दो अदद मिनी वैन्स, एक ये जो मिनी वैन है ये सुजुकी एवरी है, और इस तरफ आ जाए तो ये निसान क्लिपर है। दोनों मिनी वैन्स हैं, और आपको डिटेल बताते हैं, ऑलमोस्ट सेम जो शेप है वो सेम है, ये थोड़ी सी पुरानी जनरेशन हो ये नहीं है, ठीक है। ये है 2013 मॉडल, ठीक हो गया, सुजुकी एवरी। चलें आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर वाले, बाकी आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। और ओनर के मुताबिक भाई ये गाड़ी फुल ऑफ फीचर है, मीन्स टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट होता है वो ये है, ठीक है। बाकी यार मैं इस गाड़ी को कंपेयर कर सकता हूँ भाई अपनी कैरी बोलॉन से, बट उसमें आता कुछ नहीं है, उसमें डैशबोर्ड भी बस मजाक के लिए दिया जाता है, बट इसमें इसमें आपको सारे फीचर मिलते हैं, रोक दें। और ये कुछ इसकी बैक सीट्स आप देख सकते हैं, ईज़िली आप अपने लॉन्ग सफ़र में अगर आप कहीं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं कि टूर पर जाना चाहते हैं, तो आप पीछे अच्छा खासा आपका सामान आ जाता है, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आप, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि लोग इस सीट्स को यहाँ पे फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। सीट्स में आपको दिखा भी देता हूँ, ये यहाँ से मेरे ख्याल में फोल्ड हो जाएंगी, ये मैं रुकी, ये सीट इस तरह फोल्ड हो जाती है कुछ, और यहाँ पर आप अगर कोई भी अपनी कोई गद्दा वगैरह डाल के, तो आप ईज़िली अपना सफ़र को इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये सीन है, ये देखें आप, ये इस तरह यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पास फ्लैट बेड बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी अपना गद्दा वगैरह डाल के तो इजीली अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है कुछ इसका इंटीरियर, तो बंद कर देते हैं, बैक से आपको लुक दिखाते हैं। तो ये है कुछ भाई इसकी बैक से लुक, सुजुकी एवरी वैगन, ठीक हो गया, 2013 मॉडल है। और प्राइस की बात कर लें तो भाई इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है वो 17,50,000 है 2013 मॉडल की। और इस तरफ आते हैं तो ये निसान क्लिपर है, अंदर से ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बट वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट था, ये थोड़ा सा उससे नीचे वेरिएंट है। और निसान क्लिपर 2020 मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं, इसकी जो डिमांड की जा रही है 22 लाख रुपये, 22 लाख रुपीज़ इसकी डिमांड की जा रही है, ठीक है। तो गाड़ी ये भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको इंटीरियर इसका भी दिखा देता हूँ, ये आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा दूर मिट्टी पड़ी हुई है, लेकिन चले कोई नहीं। वैसे इसका इंटीरियर जो आपको बेज नज़र आ रहा होगा, बट ये बेज नहीं, ये ब्लैक है, जापान से भाई कह रहे हैं अभी पहुंची है, इसी वजह से ये मिट्टो मिट्टी हुई भी है। चलें कोई मसला नहीं, धुलवा दीजिएगा, आगे चलते हैं। तो भाई ये है निसान ड्रेज, और कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है, ज़्यादातर जापान में डिफरेंट कलर्स की गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि ग्रीन, ये ग्रीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी अच्छी मतलब डिफरेंट एक शेड है और काफ़ी अच्छा लगता है, खासकर
जो लड़कियाँ वो काफ़ी पसंद करती है इस तरह के कलर्स को, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, उसके साथ साथ पिंक कलर की गाड़ियाँ भी मैंने देखी हैं। तो ये सीन है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। डिटेल्स में आपको पहले बता चुका हूँ, अपने डिज़ाइन की वजह से, अपने लुक्स की वजह से पहचानी जाती है, और एवरेज तो ऐसी बात इन गाड़ियों में है ही है। बाकी रेडार सिस्टम मुझे नज़र आ रहा है, बाकी इसके हेडलैम्प जो है वो सिंपल हलोजन वाले ही हैं, अलॉय व्हील्स इसमें इंस्टॉल हैं। आपको इंटीरियर इसका दिखा देते हैं, चलें भाई इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं। ये है कुछ इसका इंटीरियर, ये आप देख सकते हैं, बेज के साथ आपको इसका इंटीरियर मिलेगा, बेज प्लस ब्लैक के साथ। इस गाड़ी की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि स्टेयरिंग व्हील जो है बेज के साथ है, काफ़ी अच्छी लुक देता है। बाकी रिट्रैक्टेबल वॉर्मियम आपको इसमें मिल जाएंगे, हेडलाइट की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मौजूद है। बाकी ये कुछ इसका इंटीरियर, अब आपको इसकी बैक से लुक देते हैं भाई, बैक से आप इसकी लुक देख लें। यह कुछ इसकी बैक से लुक, निसान ड्रेस और पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं, बाकी वाइपर, बैक स्क्रीन में डिफॉगर, स्टॉप लैंप, ऊपर आपको इंटीरियर, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जापानीज़ गाड़ियों में होती हैं। तो हमने आज शॉर्ट शॉर्ट आपको रिव्यू दिया कि भाई क्या सीन है। अच्छा, मैं इसकी प्राइस बताना आपको भूल गया, प्राइस बता देता हूँ आपको, निसान ड्रेस 2018 मॉडल है ये, और प्राइस की बात करें तो 22 लाख रुपये, 22 लाख रुपीज़ इसकी आपको डिमांड मतलब प्राइस मिल रही है। आप यहाँ पे आके जाहिर सी बात है बार्गेन कर सकते हैं। बाकी ये 18 मॉडल है, वो जो सामने सिल्वर खड़ी है वो 15 मॉडल थी, उसकी भी आपको मैंने डिटेल बता दी थी, ठीक है। तो बाकी ये वो कुछ गाड़ियाँ जो यहाँ पे मौजूद थी तलहा मोटर्स पे, तो हमने कहा भाई आपको ज़रूर ये गाड़ियाँ दिखा दें। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, पसंद आया तो आपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह डिफरेंट रिव्यूज़ लेके आते रहें। तो इसी तरह हम नेक्स्ट किसी और शोरूम पे मिलेंगे डिफरेंट गाड़ियों के रिव्यू करते हुए। चलें आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।